नमस्कार, आप देख रहे हैं रेखा अग्रवाल। आज मैं आपको बचे हुए चावलों से बहुत ही टेस्टी पराठा बनाना सिखाऊंगी और हम बड़ी आसानी से बहुत ही जल्दी बचे हुए चावलों से पराठा बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। गैस पर तवा चढ़ा देंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। ये 2 चम्मच प्याज हैं, 1 चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधी चम्मच पुदीना है। अगर 2 चम्मच प्याज हैं तो हम इसमें 4 चम्मच चावल डाल लेंगे, आधी चम्मच नमक डाल देंगे। ये छोटी चम्मच है, 2 चुटकी हल्दी डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे। इनको मिला लेंगे। ये हमारी पराठे की स्टफिंग तैयार हो गई है। आटे को हमने थोड़ा सा बेल लिया है। ये देखिए, इस तरह से हम चावल भर लेंगे। जैसे हम सिंपल पराठा बनाते हैं घर पर, वैसे ही हम चावल का पराठा बना लेंगे। तवे पे डाल देंगे। ये थोड़ा सा हमारे इधर से सिक गया है, अब इसको पलट देंगे। गैस को थोड़ी धीमी कर देंगे। घी या रिफाइंड कुछ भी लगा लेंगे। गैस को मीडियम रखेंगे। पराठा हमारा सिक कर तैयार हो गया है। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरा पराठा भी हमने सिकने के लिए तवे पर डाल दिया है, इसको भी सेक लेंगे। ये पराठा भी हमारा सिक कर तैयार हो गया है, इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, पराठे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। इस पराठे को हम बच्चों को सॉस के साथ भी दे सकते हैं और आप इसे घर पर बनाकर जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।